सवाल है कि जो पानी की पियाव वगैरह लगाते हैं, जो खिदमत है खल जिसको कहा जाता है इस्लाम के अंदर, कि अगर हम खिदमत इंसानों की खिदमत के लिए अगर हम कोई काम करें तो क्या किसी गैर मुस्लिम के साथ में भी मिलके लगा सकता है, मिलके किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है इसको। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि तुम लोगों के साथ में जो है नेक कामों में लोगों का साथ दो और बुराई से अपने आप को रोक लो। तो नेक काम के अंदर हमको जो है लोगों का साथ देने के लिए कहा गया, उसमें कोई मुसलमान मखसूस नहीं किया गया। तो जब भी हम किसी हमको करना है तो किसी भी गैर मुस्लिम नेक काम है तो उसके साथ किया जा सकता है, और जो वो बुराई करे जो हमारे जो इस्लाम के खिलाफ होती तो हम अपने आप को वहाँ से रोक लें, तो उसको किया जा सकता है। उनके साथ में खिदमत है खल को हमको करना चाहिए, और ये मुसलमान का काम भी है। और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि ये चीज़ हम नहीं करने की वजह से आज जो है मुसलमानों को जो है हम देखते हैं जो लोगों का जो नज़रिया बदला हुआ, इसीलिए बदला हुआ कि वो देखते हैं कि कुछ भी काम के लोग नहीं हैं, ये काम कुछ नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, कि कहीं पर भी आगे नहीं, कहीं पर भी आगे नहीं। इनका काम क्या है कि सिर्फ इनको लड़ाई करना। और अभी एक जो है वाकया मैंने कल ही एक पेपर में पढ़ा, तो एक जगह पर जहाँ पर मुसलमानों के लिए सरकार ने पूरी बस्ती बसाई, तकरीबन वहाँ पर उन्होंने जो है करीबन 400 जो है मल्टी उन्होंने बनाए कि यहाँ पर मुसलमानों को और गरीबों के तबकों को उन्होंने बसाया, लेकिन अक्सरियत जो थी उसमें मुसलमान थे। अब वो किस भी वजह से रहा, वजह है उनकी सारी राजनीति वजह है, उसकी वजह से उन्होंने सरकार ने उनको बना के दिया, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे जो वहाँ पहले से लोग मौजूद रहते उसके अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर उनको आने से मना कर दिया और बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचाया, उसके ग्लास सब फोड़ दिए, और वो धरने प्रदर्शन बैठ गए कि मुसलमान को यहाँ नहीं आने देंगे, या आते हैं तो मोहल्ले के अंदर सिर्फ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं होता, तो ये गंदगी करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि आते तो हमारे इस्लाम फैलाएंगे या ये नमाज़ें पढ़ेंगे मस्जिद बनाएंगे इसलिए हमको इंटरव्यू। उन्होंने क्या कहा कि ये गंदगी फैलाते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो इनके आगे पहने से हमारे जो है मोहल्ले का माहौल ख़राब हो जाता है। और इसकी वजह हम देखें तो यही वजह, क्योंकि इंसान ने ये तसव्वुर छोड़ दिया, खिदमत खल्क जो है खिदमत खल्क करना छोड़ दिया, ये मुसलमान का काम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम देखें 40 साल पहले की, उसके बाद की भी, लेकिन 40 साल पहले की आपकी ज़िंदगी देखें तो वो खिदमत खल्क थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अल्लाह के रसूल सिर्फ जो है आपके पास नबूवत भी नहीं आई, लेकिन सिर्फ खिदमत खल्क आप करते, वो अपन जो हदीस जो हम सुनते हैं जो माँ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के ताल्लुक से आती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लम को पहली वही आई, अल्लाह के रसूल सल्लम जब घर पर आए, घर पर आकर जो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला से कहने लगे कि मुझे कुछ उड़ा दो, मुझको ठंड लग रही है शदीद, आपको बुखार आ गया और मैं हलाक और बर्बाद हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने क्या कहा था कि आपको अल्लाह कैसे जाया कर सकता है, क्योंकि आप तो लोगों की मदद करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, जो कमाते नहीं उसको कमा कर देते हैं, अल्लाह के उसको कमा कर देते थे। और ये तो आज हम देख भी नहीं सकते कोई आदमी ऐसा हो भी सकता आज के ताल्लुक, आज के अगर देखे आदमी कोई आदमी ये है कि कोई दे सकता है कि आदमी इतना तो हमको मिल जाएगा कि आदमी कोई आदमी 100 रुपये कमा के लाया तो एक भाई को ठीक है यार तेरा आज बीमार था तो तू 50 ले लूँ, लेकिन ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा कि जो आदमी कहे कि तू बीमार है तू काम कर रुक जा, मैं आज तेरे बदले तेरी जगह काम पर जाता हूँ और जो भी पैसा आएगा ला के तेरे को दे दूँगा, या तो आज भूखा है तो मैं जाकर लाता हूँ, मेरे पास भी नहीं है तो मैं कमा कर लाता हूँ तेरे को ला के देता हूँ। अल्लाह के रसूल ये करते थे, कई वाक़ आते हैं कि अल्लाह के रसूल जाते उसके अगर कुछ नहीं होता तो कमा कर लाते हो फिर उसको पैसे ला कर दे देते, तो ये खिदमत खल के। कई लोगों का आप बोझ उठाते थे, बीमार होते थे उनकी बीमार पोशी करते थे, पानी पिलाते थे। अल्लाह के रसूल जब वो नबूवत नहीं मिली थी उससे पहले जो है दो वहाँ पर जो जिन्होंने कबीले वालों ने जो तो मुशरिकीन मक्का उन्होंने वहाँ पर जो कमेटी बनाई हुई थी, एक पानी पिलाने की कमेटी थी, जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाते थे, अल्लाह के रसूल उसके मेंबर थे, उसके मेंबर थे आप खुद की प्याओ के आप, और आप किसके साथ थे, गैर मुस्लिम वो मुशरिक थे। और उसके अलावा जो है एक और जो कमेटी थी जिसको हिफ्सुल ऐसे को नाम उसका बहरहाल भूल गया, वो एक कमेटी थी जो हाजी आते थे उनको अगर कोई दूसरा कबीले वाला लूट लेता क्योंकि उनका काम में लूट डकैती वगैरह करते थे, तो ये सारे सब मिलकर उस पर फिर हमला करते थे और उसको ख़त्म करते थे, यानी जो भी इनको हाजियों को परेशान करता, इसे तो उनका काम यही था लूटते से खटोते काम था उनका, लेकिन जब हाजियों को अगर कोई लूटता तो उसके लिए खिलाफ वो कमेटी, उसके भी अल्लाह के रसूल सल्लम उसके भी मेम्बर थे। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लम ने बाद में भी कहा ना, नबूवत के बाद में जो फतेह मक्का के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लम से कहा कि आज भी अगर ऐसी कमेटी बने जिसमें पानी पिलाने का नज़्ब हो तो मैं उसका जो है मेंबर बनने को तैयार हूँ, तो ऐसी कमेटी बने जो है लूट खसोट करने वालों को उनके खिलाफ लड़े तो मैं उसका मेम्बर बनने के बाद तैयार हूँ। कब? जो नबूवत मिलने के फतेह मक्का के बाद आपने कहा। तो कौन थे कि ऐसी कमेटी बने? तो मुस्लिम कोई कमेटी थी। तो यहाँ गैर मुस्लिम के साथ भी इसमें काम किया जा सकता है, करना चाहिए, और खिदमत खल के हमको करना चाहिए। उसी से हम जो है लोगों को जब तक किसी पर एहसान नहीं करेंगे कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा। एहसान करना ज़रूरी, किसी पर एहसान
ہوگا تو احسان کے انسان سنتا ہے. تو یہ خدمت خلق کیا جا سکتا ہے اور نیکی کے کام میں کسی کے ساتھ بھی مل کے کیا جا سکتا ہے.